पेट्रोल पंप फेंके जा रहे हैं, पर ड्रोन पे पत्थर मार रहे हैं। ये मेरे देश का अन्नदाता नहीं कर सकता, ये अपराधी हैं। किसान यहाँ आ रहे थे तो उन्हें क्यों रोका गया? शुरुआत तो आपने की ना। वो देश में अन्न उगाते हैं सवेरे से शाम तक, उनका हक है या नहीं है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा किसान है क्या पंजाब में? कितने लोग आकर के खड़े हुए टिकरी खुर्द बॉर्डर पर, बताइए आप मेरे को भाई। महाराष्ट्र का किसान कहाँ? आज कनाडा से एक उठता है, वो उसका क्या नाम है, खालिस्तानी मूवमेंट का पन्नू, वो कहता है कि जाओ कब्जा कर लो दिल्ली के ऊपर पंजाब के लोगों, इसलिए आप लोग वहाँ पर धमाल मचा रहे हो, पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हो, टोलियाँ भर भर के दारू लेकर के आ रहे हो। भैया अगर ऐसे किसान होते हैं तो देश को किसान ना ही हो। इस देश का जब तक किसान नहीं मजबूत होगा ये देश चलेगा नहीं आगे। किसानों का सम्मान है सर, जो भी किसान मेरे को देख रहा है हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर आपकी कोई MSP की लड़ाई है सरकार से, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आपको MSP तो ट्रैक्टर क्यों नहीं जाने दे रहे दिल्ली? MSP मिलनी चाहिए साहब, ये ट्रैक्टर तो तब भी जाने चाहिए थे जब किसी बेटी के साथ ना इंसाफी होती है, जब किसी किसान की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, जब किसी किसान का घर टूटता है, तब ये ट्रैक्टर कहाँ चले जाते हैं? वो किसान इंडिया के नहीं है क्या? वो भारतीय नहीं है क्या? यानी किसान अगर कुछ कर रहे हैं, किसानों का पूरा सम्मान है, पर किसान के पीछे जो आतंकी स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनका पुरजोर विरोध होगा, क्योंकि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। आंदोलन की अधिकार सबको है, पूरे इंडिया को, भारत देश को आंदोलन का अधिकार है। वो किसान इंडिया के नहीं है क्या? वो भारतीय नहीं है क्या? तो कह रही है इंडिया के हैं। वो किसान यहाँ आ रहे थे तो उन्हें क्यों रोका गया? शुरुआत तो आपने की ना। सरकार कह रही है आज भी हमने रोका नहीं है। अगर कोई भी किसान आगे जाना चाहे, सारे बॉर्डर खुले हैं, हर बॉर्डर पे जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर लेके नहीं जाओगे, पैदल जाओ, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, हम जाने देंगे, सरकार ये कह रही है। निश्चित तौर पे ट्रैक्टर वाहन है अब किसी के पास नहीं है, साधन दूर पड़ता है आने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग लोग करते हैं। हम दे रहे हैं ना ट्रांसपोर्टेशन का, ऐसा एक हथियारबंद आंदोलन तो है नहीं, वो हथियार से तो वो उपयोग कर नहीं रहे। अगर पुलिस उनको आंदोलन नहीं है, पेट्रोल पंप फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल पंप फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, तो उस पर ड्रोन पे बोल पत्थर मार रहे हैं। आप समझो अगर एक ना एक तरीका होता है, नीचे गिरा दिए गए पतंगों के जरिए, उस बात गिरा दो। आप लोगों ने पहले भी लाल किले पे आकर के भारत के ध्वज का अपमान करा था। आप समझो ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग यार, ये खालिस्तानी एजेंडा भी चल रहा है वहां से। अभी देखो ना कल की वीडियो वायरल है, कल की तो वायरल है वीडियो, पूरा भारत देख रहा है। कहीं हमने तो बनानी थी, हमने तो पैसे देकर के नहीं बनवा दी, या मोदी जी ने तो पैसे देकर नहीं बोल दिया खालिस्तानी एजेंडा। समझना चाहिए एक MSP का एक रेट तय करा जाएगा। आप समझो ये चल कर रहा है, एक MSP है जिसको ये लोग बोल रहे 42 रुपया, सरकार बोल रही है 18 रुपये की चीज़ मैं 20 रुपये में लूँगा आपकी, और उसको मैं आपको 25 रुपये में आगे बेचूंगा। जब वो 42 रुपये में सरकार खरीदेगी और उस पर मेकिंग चार्जिंग सब काम धाम करके सब मार्केट में अनाज को बेचा जाएगा, तो 45 रुपये का अनाज खरीदेगा कोई बंदा? 45 रुपये किलो आटा कोई भाई खरीदेगा कोई? और जब 45 रुपये किलो आटा खरीदे जाए, एक सेकंड, आपकी पार्टी बोलती है लोग पैसा बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, आपकी पार्टी ये सुनो, अरे सुनो तो सही, इनका सिस्टम है ना, मैं आपको बताया था भाई साहब, आप बोलना पहले मेरे को अपनी बात, मैं सुनूंगा आपकी बात, पहले मेरे को अपनी बात कमा रहे हैं। देखो मैं बात अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, तो समझे नहीं मेरे को? एक ना क्या है, एक प्री प्लान करके काम करा जा रहा है। पता क्या प्री प्लानिंग हो रहा है कि भाई महंगा अनाज डंके की चोट पे और छाती पे लटगाड़ करके बेचेंगे, इससे आम जनता परेशान होगी, फिर आम जनता कहेगी यार विद्रोह करेगी, सरकार के खिलाफ जाएगी, फिर ये पता यही पार्टियां ठेकरा फोड़ेगी सरकार के ऊपर कि महंगाई भी ये करवाने का काम कर रही है, बढ़ गई है, महंगाई उठा सकते हैं, महंगाई उठा सकते हैं, ये ले सकते हो ना। ये अभी यही बब बंडा कर चल रहा था इसी मंच पे जहाँ आप लोग खड़े हो, ये बोलते थे कि तनख्वाहें बढ़ गई हैं। अरे तनख्वाहें बढ़ गई हैं तो वो किसान भी तो है ना। इस देश का जब तक किसान नहीं मजबूत होगा ये देश चलेगा नहीं आगे। मैं अरे भाई हम किसान के खिलाफ नहीं जा रहे, हम लोग किसान सर्वोपरि है भैया, ये नहीं कह रहे किसान जी भी कह रहे हैं किसानों को मैं सर्वोपरि मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं किसान नहीं, किसान की आड़ में जो गुंडे मवाली हैं, डकैत जैसे तो तैयारी है, डकैत कह रहा मैं भी आऊंगा, कब आएगा क्यों भाई साहब, वीडियो है मेरे फोन में पड़ी हुई है, आपको नहीं दिखाई दे रही है, आपको पेट वर्करों को नहीं दिखाई दे रही, मुझे तो दिखाई दे रही है, हमें दिखाई दे रही है, कह रहे खालिस्तान भी चाहिए, पंजाब तो चाहिए ही चाहिए। सिस्टम है भाई साहब, एक पूरा प्री प्लान के जरिए से इस तरीके से, यही वही लोग हैं जो पहले आए थे, महंगा अनाज जबरदस्ती बेचेंगे, फिर सरकारें अगर आपको अगर 10 रुपये 20 रुपये सस्ता अनाज बेचेगी तो क्या सरकार में फिर पता क्या बोलेंगे, यार इन्होंने देखो देश को कर्जे में डाल दिया, और अगर 10-5 रुपये 1-2 रुपये महंगा बेचेगी तो आपको 45 रुपये 46 रुपये किलो अनाज खरीदना पड़ेगा, फिर ये लोग पता क्या बोलेंगे, फिर यही सरकारें बोलेगी जो प्री प्लान बनाकर काम कर रही है कि महंगा बिक रहा है। एक तरीका है अगर आप अंकल जी की मैं कह रहा हूँ, ठीक है अंकल जी बड़े हैं भाई, अंकल जी कुछ भी कह सकते हैं, अंकल जी की औलाद या अंकल जी नहीं सुनो अंकल जी की औलाद, मेरे को बोलने दो, मुझे बोलने दो, अगर अंकल जी और अंकल जी की औलाद अगर किसी एप्पल के अगर किसी स्टोर पे जाएगी
तो मोबाइल की जो फोन की कीमत देख कर तो देगी, कपड़े की कीमत देख के तो देगी, ऐसे थोड़ी ना कि 42 रुपए की। सुनो, ये 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं ना, फ्री में बांट रहे हैं ना, तो उनका भी तो हक है ना अपना पैसे मांगने का। वो देश में अन्न उगाते हैं सवेरे से शाम तक, उनका हक है या नहीं है इनसे पूछो। अन्न उगाते हैं, किसानों का हक क्यों छीन रहे हैं? उगाते हैं ना, वो आज अन्न उगाने का काम कर रहे हैं, जो रेंज रोवर लेकर के मर्सिडीज लेकर के वहाँ पर आतंकिस्तान फैला रहे हैं, ये मेरे देश का अन्नदाता नहीं कर सकता। ये अपराधी हैं, कुंचित अपराधी हैं, कुंचित माफिया हैं, जो कि पत्थर चला रहे हैं, कई की पेट्रोल बम फेंक रहे हैं और ट्रालियों में भर भर के दारू लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको पिज्जा बर्गर और दारू पीना है तो जाइए किसान आंदोलन में, वो देश के अन्नदाता नहीं है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा किसान है क्या पंजाब में? कितने लोग आकर के खड़े हुए टिकरी खुर्द बॉर्डर पर, बताइए आप मेरे को भाई। महाराष्ट्र के किसान कहाँ गए? राकेश डकैत कहता है, राकेश डकैत कह रहा है कि क्या नाम है, लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। बेटा एक बार जाकर को दे दो लखनऊ में, किसानों का स्वागत है। हम देश का नौजवान, नेताजी का नारा था जय जवान जय किसान, पर ये जय जवान जय किसान चलता रहेगा, पर जय जवान जय आतंकिस्तान मत बनाइए, जय किसान ही रहने दीजिए। ये हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों पर, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश का किसान एक दूसरे की हत्या करना चाहता है? आज कनाडा से एक उठता है, वो उसका क्या नाम है, खालिस्तानी मूवमेंट का पन्नू, वो कहता है कि जाओ कब्जा कर लो दिल्ली के ऊपर पंजाब के लोगों, इसलिए आप लोग वहाँ पर धमाल मचा रहे हो, पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हो, टोलियाँ भर भर के दारू लेकर के आ रहे हो। किसान, आप किसानों क्या हो? किसानों का सम्मान है सर, जो भी किसान मेरे को देख रहा है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर आपकी कोई एमएसपी की लड़ाई है सरकार से, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आपको एमएसपी तो ट्रैक्टर क्यों नहीं जाने दे रहे दिल्ली? एमएसपी मिलनी चाहिए साहब, ये ट्रैक्टर तो तब भी जाने चाहिए थे जब किसी बेटी के साथ ना इंसाफी होती है, जब किसी किसान की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, जब किसी किसान का घर टूटता है, तब ये ट्रैक्टर कहाँ चले जाते हैं? यानी किसान अगर कुछ कर रहे हैं, किसानों का पूरा सम्मान है, पर किसान के पीछे जो आतंकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पुरजोर विरोध होगा, क्योंकि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, देश सर्वोपरि है, भारत सर्वोपरि है। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, जिस दिन हम शामिल होंगे उस दिन आंदोलन असली समझ में आएगा। अरे वो टिकैत नहीं, राकेश डकैत है, वो 2 करोड़ के आदमी की तो मैं बात भी नहीं कर सकता। किसान के नाम पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है, ऐसे डकैत फकैत आते रहेंगे इनके तो, इसको तो मैं किसान ही नहीं मानता। बॉर्डर सिर्फ सील करें, ट्रेन भी रोकेंगे और सारे टोल भी फ्री कराएं। 20 रुपए ज्यादा एमएसपी लेने के लिए रेंज रोवर मर्सिडीज क्रूजर लेकर के आएंगे आप? किसान हैं आप? ट्रॉली भर भर के शराब लेकर के आ रहे हैं आप? भैया अगर ऐसे किसान होते हैं तो देश को किसान ना ही हो। ये 2 महीने अब चले जिस तरीके से, और जो पेड वर्कर है वो चंद्रशेखर रावड़, जिसका पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है, अब वो भी चुपचाप बैठा हुआ, वो भी कह रहा है हल्की सी उसने बात रखी है कि हम भी थोड़ा सा देखेंगे ट्राई करके। अब एक बंदा है वो हर्ष शिकारा, वो जो 500-500 रुपये पेटीएम मांगता रहता है देश के किराएदारों के लिए, ठीक है, वो उसने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि भाई साहब हम भी ट्राई करेंगे। तो अब तुम देखना एक माहौल बनेगा वहाँ पर, जितने भी देश के गद्दार हैं ना, या लेफ्ट विंग के चैनल वाले हैं, या जितने भी जयचंद हैं, सारे के सारे उसी भीड़ में मिलेंगे आप।